हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। माय नेम इज सूरज भटनागर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। डियर स्टूडेंट, हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर की शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने डिफरेंशियल कैलकुलस बुक से फर्स्ट यूनिट शुरू किया था, जिसमें हमने सारे पिछले वीडियो के अंदर अपने कुछ बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूले वगैरह प्रूव भी किए हैं, वो हमें याद रखने हैं। अब हम इस वीडियो में कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे और जो हमारे फॉर्मूले हैं उनको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो ध्यान से एंड तक इस वीडियो को देखिए, तभी आपको सारी बातें समझ में आने लगेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए और उसको समझने की कोशिश की। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या दे रखा है, और हम अपने फॉर्मूले जो आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में, उनमें समझा चुका हूँ, तो अब उन फॉर्मूलों को हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, यहाँ में दिया हुआ है इन द एलिप्स एल अपॉन आर इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, पोलर फॉर्म में ये दिया हुआ है कर्व, और फाइंड द लेंथ ऑफ, लंबाई ज्ञात करनी है पोलर सब टेंजेंट की यानी ध्रुवीय अर्ध स्पर्शी की, और द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर जो हमको सबसे पहले यहाँ पर हमको जो वक्र दिया हुआ है कर्व, गिवन कर्व इज एल अपॉन आर इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा। ये हमको एक इलिप्स का कर्व दे रखा है जिसको हम इक्वेशन नंबर वन पुट कर लेते हैं। अब हमको यहाँ पर सबसे पहले जो ए ऑप्शन हमें दिया हुआ है पोलर सब टेंजेंट की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पोलर सब टेंजेंट की लंबाई का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो हम काम में लेंगे। तो पोलर सब टेंजेंट की लंबाई का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। ये हमारे पास फॉर्मूला है पोलर सब टेंजेंट का यानी ध्रुवी अध स्पर्शी की लंबाई का। ये फॉर्मूला हमको यहां पर काम में लेना है। अब यहां पर देखिए, इस फॉर्मूले को हम काम में लेंगे तो इस फॉर्मूले से हमको ये मालूम चलना चाहिए कि जो इक्वेशन हमको दे रखी है उससे हमको किन किन वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर देखिए, आर स्क्वायर यानी कि हम यहाँ से जो हमको एलिप्स दिया हुआ है इससे आर की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं। डी थीटा अपॉन डी आर का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थी आर। तो अभी हम पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू हमको पुट करनी है, लेकिन यहाँ पर जो हमको ये फंक्शन दिया हुआ है ये एफ इक्वल टू आर इक्वल टू एफ आर के रूप में, एफ थीटा के रूप में दिया हुआ है, आर इक्वल टू एफ थीटा। देखिए यहाँ पर आर है, इधर थीटा है, तो हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। यहां पर देखिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो देखिए यहां पर इसका जब हम थीटा के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एल तो कांस्टेंट रहेगा और वन अपॉन आर का माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो गया माइनस का एल अपॉन आर स्क्वायर और डी आर अपॉन डी थीटा, आर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू वन कॉन्स्टेंट है इसलिए उसका जीरो हो जाएगा, ई कॉन्स्टेंट है ई ऐसा कैसा ही रहेगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस ई साइन थीटा हो गया। यहां से दोनों साइड से हम माइनस को कैंसिल आउट कर सकते हैं और डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं।
तो डी आर अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू यहां आएगी, तो डी आर अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो होगी डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर ई साइन थीटा अपॉन एल स्क्वायर, इधर से एल क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एल आ जाएगा अपॉन में, इसको हमने इक्वेशन नंबर टू मान लिया। तो ये हमने आर का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हम वो लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बराबर हो गया आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। तो वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। अब हम पुट दी वैल्यू इन दिस, तो ये क्या हो जाएगा, अब आर स्क्वायर को हम ऐसा ही रेखा लेने देते हैं अभी, डी थीटा अपॉन डी आर, और यहां हमारे पास वैल्यू है इक्वेशन नंबर टू के अंदर डी आर अपॉन डी थीटा, तो इसको उल्टा करके हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एल अपॉन आर स्क्वायर ई साइन थीटा, यहां से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा एल अपॉन ई साइन थीटा। तो यही लेंथ है वो जो हमें फाइंड आउट करनी है, ध्रुवीय अध स्पर्शी की लंबाई हमारे पास ये आ गई। ध्रुवीय अध स्पर्शी की लंबाई ये हमने अभी यहां पर ये फाइंड आउट करी है, यानी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो ये यहां पर आ गई अपने पास एल अपॉन ई साइन थीटा। तो एक आंसर तो हमारा यहां पर ये हो गया। अब देखिए यहां पर हम सेकंड ऑप्शन सॉल्व करते हैं, और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई। ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई, ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल, लंब की लंबाई ज्ञात करनी है हमको ध्रुव से, और कहां पर ज्ञात करनी है, स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई हमको मालूम करनी है। अब इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास है P इक्वल टू आर साइन फाई, ये तो पहला फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर की पावर फोर और डी आर अपॉन डी थीटा का वर्ग, ये भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए कोई सा भी फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहला फॉर्मूला काम में लेते हैं तो हमको फाई की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, लेकिन हमने अभी ऊपर वाले ऑप्शन के अंदर डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है, तो हम ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसमें डी आर अपॉन डी थीटा की ही वैल्यू पुट करनी है, हम उससे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डी आर अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू हमने वहाँ ऊपर निकाली हुई है उसी से
इसको हम करते हैं। देखिए dr अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू हमारे पास है वो है आर स्क्वायर ई साइन थीटा अपॉन एन। तो हम ये सेकंड ऑप्शन यहां से ले लेते हैं, तो वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर की पावर फोर और डी आर अपॉन डी थीटा का वर्ग। इसको सॉल्व करके हमको जो लेंथ आएगी पी वो निकालनी है। तो देखिए क्या आएगा, वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर की पावर फोर और डी आर अपॉन डी थीटा का मान। तो डी आर अपॉन डी थीटा का मान है आर स्क्वायर ई का वैल्यू देख लेते हैं ऊपर कितनी है, आर स्क्वायर ई साइन थीटा अपॉन एल, आर स्क्वायर ई साइन थीटा और बटे में एल अपॉन एल और इसका हो गया वर्ग। अब हमें केवल ये सॉल्व करना है। अब देखिए जब यहां पर हम जब सॉल्व करेंगे तो आर की पावर फोर हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमारे पास अब ये हो जाएगा वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर की पावर फोर, आर की पावर फोर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन एल स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर करने पर आ गया। तो आर की पावर फोर तो कैंसिल हो जाएगा और ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर को हम अलग करके साइन स्क्वायर की जगह पर वन माइनस कॉस स्क्वायर पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो हमको इलिप्स का कर्व दिया हुआ है उसमें कॉस की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पर पुट करेंगे जिससे इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर आ गया, आर की पावर फोर कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब हमारे पास जो ऊपर हमको इक्वेशन दे रखी है इलिप्स की वो है कितनी है, एल अपॉन आर इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, ये हमारे पास वैल्यू है। अगर हम यहां से इस ई स्क्वायर को अंदर इंटू करते हैं तो सेकंड वाली टर्म में ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, जहां पर हम ई कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर करके इसमें रख सकते हैं। तो ई कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एल अपॉन आर माइनस वन। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, तो वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन एल स्क्वायर, ये वन अपॉन एल स्क्वायर हो गया और कोष्टक के अंदर ई स्क्वायर को इंटू किया तो एक से गुणा करने पर ई स्क्वायर आ गया माइनस, फिर ई स्क्वायर को आगे गुणा करा तो ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख के इसका हम वर्ग कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, आगे यहां पर बड़ा कोष्टक हम लगा लेंगे, माइनस एल अपॉन आर माइनस वन का वर्ग हो गया, ये ई कॉस थीटा की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। अब ये हो गया वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन एल स्क्वायर। अब अंदर हम होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो ई स्क्वायर तो ऐसा कैसा ही रहेगा, यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई। तो ये वैल्यू, और देखिए कोष्टक के बाहर माइनस लग रहा है तो ये इसके सारे चिन्ह चेंज होंगे, तो माइनस का तो आएगा एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, माइनस का ही आएगा वन और टू ए बी वाला पद प्लस में हो जाएगा टू एल अपॉन आर। यहां पर आर स्क्वायर ये पहला टर्म ऐसा कैसा ही, वन अपॉन एल स्क्वायर को अंदर इंटू किया तो ये हो गया ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, फिर इसको आगे इंटू किया तो माइनस एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, वन अपॉन आर स्क्वायर रह गया, फिर हम इसको आगे गुणा करेंगे माइनस के वन से तो माइनस का वन अपॉन एल स्क्वायर हो गया
और फिर अगले पद में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2L, 2 एक L कैंसिल हो जाएगा तो 2L अपॉन R हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 1 अपॉन आर स्क्वायर को तो हम ऐसा कैसा ही ले रहे हैं, ये बाहर जो 1 अपॉन एल स्क्वायर लिख रहा है अगर इसको हम अंदर इंटू करते हैं जो ये सेकंड टर्म है एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इस वाले से अगर इस 1 अपॉन एल स्क्वायर को इंटू करते हैं तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा और माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर बचेगा। तो केवल इसी एक पद को इंटू करके हम अलग कर देते हैं और बाकी के जो तीन पद अंदर बच रहे हैं उनको वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं। तो 1 अपॉन एल स्क्वायर को एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से इंटू करके उसको अलग रख देंगे और बाकी ऐसा कैसे ही लिख देते हैं। तो देखिए 1 अपॉन एल स्क्वायर और अंदर हम छोड़ रहे हैं ई स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 2L अपॉन आर और इस एल स्क्वायर और आर स्क्वायर से गुणा किया तो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि बाहर पहला जो पद है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर है वो इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये वाले जो दो पद हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2L अपॉन आर। ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द पोल टेंजेंट से लंब की लंबाई ये हो जाएगी। तो इस एग्जांपल में हमको दो ऑप्शन दे रखे थे, दोनों ऑप्शनों में हमसे लेंथ पूछी गई थी सब टेंजेंट की और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमने ये एग्जांपल सॉल्व किया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं तो आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा, लेकिन वो जब ही होगा जब आप कमेंट्स करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है उसके ऊपर कमेंट जरूर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो पर किसी और एग्जांपल के द्वारा मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।